हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। चाय चढ़ा दी है मैंने और अब मैं जो है ये प्याज को कट कर रही हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ ब्रेड ऑमलेट। तो ऑमलेट में जो है मैं प्याज ज़रूर ऐड करती हूँ। बिना प्याज के ऑमलेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी और मेरे घर में किसी को भी जो है बिना प्याज का जो है ऑमलेट पसंद नहीं है। कभी कभार मैं बना लेती हूँ बिना प्याज का, बट मैक्सिमम प्याज डाल के। तो यहाँ पे प्याज कट हो चुका है और एग वगैरह ये सब मैंने तैयारी करके रख लिया। अब मुझे जो है रिफाइंड लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद जो है मैं तवे पे अच्छे से रिफाइंड को स्प्रेड करूँगी। बट उससे पहले जो है मैं इस बाउल में वो रख दूँगी, अंडे को फेंट दूँगी। इसमें मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और नमक और सब भी जो भी मसाला मैं डालती हूँ मतलब उसमें, तो वो सब मैंने डाल दिया। अब जो है मैं इसको फैला लूँगी इस पे तवे पे और उसके बाद जो है ऑमलेट रेडी हो जाएगा। तो मॉर्निंग में जो है ब्रेड ऑमलेट आज मैं बना रही हूँ और यहाँ पे दूध रख रही हूँ मैं चाय पे। तो सबके लिए ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। और मम्मी को पूजा में जाना है तो मम्मी का जो है नहीं बना रही हूँ मैं आज। और मम्मी जो मतलब ब्रेकफास्ट में जो है मम्मी ने ब्रेड खा लिए थे, सिंपल प्लेन ब्रेड। और हम सबके लिए ये जो है मैंने बना दिया। सौम्या अभी उठी नहीं है तो मैं चाय रख रही हूँ और ऑमलेट और ब्रेड तो बिल्कुल तैयार है। और बस फिर मेरे जो लास्ट के दो ब्रेड सेकने के लिए मैंने रखे हैं ये हो जाएंगे। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी और फिर नहाऊँगी। तो बस ये भी मेरे सीख चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं टेरेस पे आ गई हूँ। ये कुछ कपड़े हैं, आज मैंने मशीन लगाई थी, मतलब कल रात को लगाई थी मैंने, और मॉर्निंग में कपड़े धुले थे क्योंकि जो पानी है ना तो कल आया था। तो फिर मैं मशीन को रात को भर के रख देती हूँ और मॉर्निंग में जो है कपड़े उसमें धो देती हूँ। कई कभार मैं रात को ही धो देती हूँ और मॉर्निंग में सिर्फ खंगाल लेती हूँ। तो अभी मॉर्निंग में मैंने आज धोए थे और ये मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ अपने टेरेस पे। तो मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ और यहाँ पे सौम्या भी है, सौम्या भी नहा चुकी है। पहले मैंने सौम्या को नहलाया था, फिर मैं खुद नहाई थी। और अभी जो है मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ। नहाने के बाद मैं अपने फेस पे टोनर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और आजकल जो है मैं कोई क्रीम वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आता है। और बस लिप बाम लगाऊंगी, दैट्स इट, हो गया मेरा। और उसके बाद मैं दाल में छौंका लगाऊंगी क्योंकि दाल जो है मैंने बॉईल करके रख दी है, बस उसमें जो है छौंका लगाना है। आज मम्मी नहीं है तो इसलिए जो है दाल में मुझे छौंका लगाना होगा। और राइस भी जो है मैंने भिगो के रख दी है। तो यहाँ पे मैं पहले अपने बाल सुखा लूँगी, उसके बाद जो है मैं दाल में छौंका दूँगी। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर दी है, मैंने इसमें जीरा डाल दिया। अब उसके बाद मैं हींग ऐड कर दूँगी, हींग जरूर डालती हूँ मैं दाल में। तो उसके बाद जो है मैं डालूँगी इसमें लहसुन
और फिर प्याज और फिर टमाटर और हरी मिर्च और बाद में जो सारे मसाले डलते हैं नॉर्मल, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक वगैरह, ये सब कुछ मैं डाल दूंगी। तो दाल जो है मैंने छौंका लगा दिया दाल में, और अब मैं यहाँ पे मौसमी खा रही हूँ। इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ। मौसमी कट करके मेरे हस्बैंड ने रख दिया था, उन लोगों ने खा लिया, सौम्या ने और मेरे हस्बैंड ने, बस मैं रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ मौसमी, और बाकी अब सारे काम हो चुके हैं, बस लंच करना है, वो हम थोड़ी देर में करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आई एम सॉरी, मॉर्निंग से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था बात करने का, अभी जाके टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम थे एक्चुअली। कि आज मम्मी भी नहीं थी घर पे, मम्मी को अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था, कोई पूजा वगैरह थी उनकी। तो फिर जो है दिन में जो है ना, मुझे थोड़ा बहुत टाइम इसलिए मिल जाता है दिन में, जैसे कि मम्मी अगर दिन में लंच वगैरह बना देती है, मतलब दाल चावल वगैरह बना देती है, तो उतना टाइम मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। अदरवाइज जो है मुझे पूरा दिन बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता, पूरा दिन मेरा कब निकल जाता है कुछ नहीं पता चलता। और आज मैं शॉप भी गई थी, काफ़ी दिनों से नहीं जा रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज गई थी और अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले। चाय और फैन अभी खाया मैंने, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ बात करने बैठ गई। आज मॉर्निंग में मैंने बनाया था ब्रेड ऑमलेट, और फिर मतलब बताती हूँ मैं क्यों इतनी बिजी थी। मॉर्निंग में मैंने बनाया ब्रेड ऑमलेट, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जीने में पूरा झाड़ू लगाया और जाले वगैरह साफ किए। काफ़ी दिन हो गए थे जब तबीयत खराब थी ना, तो लगा नहीं पा रही थी, तो फिर जीना जो है पूरा क्लीन किया। फिर उसके बाद जो है मैंने कपड़े धोए, क्योंकि कल रात को पानी आया था, मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, काफ़ी कपड़े थे, कपड़े भी और दरी वरी वॉश करी। अब मुझे क्या करनी है, जो बेडशीट है ना ये भी चेंज करनी, क्योंकि ये वाली बेडशीट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, इसको मैं ज़्यादा दिन नहीं बिछाती, 2 या 3 दिन मैक्सिमम, बस उसके बाद चेंज कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जो अपनी फेवरेट वाली जो बेडशीट है वो चेंज करूँगी। और खाना बन चुका है, मम्मी ने बनाया था आलू बीन्स, और दिन में मैंने दाल बना दी थी तो एक्स्ट्रा ही हो गई थी। एक्चुअली मम्मी का ना प्लान नहीं था खा के आने का, बाद में मम्मी ने बोला मैं खा के आ रही हूँ तुम लोग खा लेना, तो फिर दिन का जो है दाल बची हुई है, राइस भी बचे हुए हैं, बट राइस वगैरह तो कोई खाएगा नहीं, कल मैं फ्राई कर दूंगी और अभी दाल हो जाएगी और आलू बीन्स की सब्जी, बस रोटियां बनानी है मुझे। तो पहले बेडशीट चेंज करूंगी, उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। तो चलिए फिर अभी जो है मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा आपको मतलब आपके साथ बात करने का टाइम मिला था, और अब जो है मैं अपना काम पे लगती हूँ, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हम लेडीज़ के, आपको पता है। तो चलिए फिर मैं अपना करती हूँ, ये बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, वरना बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि 9 बजने वाले हैं, 9 बजे मेरी रोटियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो बेडशीट मैंने बिछा ली है, और सौम्या को देखें यहाँ पे मस्ती करे जा रही है। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, बचपन में हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे, जैसे मम्मी कुछ सफाई करती थी या काम करती थी तो हम भी इसी तरीके से खेलते थे। तो जो कुशन कवर, सॉरी पिलोज कवर जो मैंने चेंज किए हैं, तो उनके साथ वो खेल रही है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब खेलने में। मैं उसे मना कर रही हूँ बट मान नहीं रही। एक छोटा सा तकिया ले लूँ? नो क्यों?
तो ये देखिए किचन पूरा क्लीन हो चुका है मेरा, बर्तन धुल गए हैं और ये कुछ आम है जो मैंने वॉश करे हैं, आप देख सकते हैं। और ये है भिंडी, ये लेके आई थी, ये भी वॉश कर दी है मैंने। तो चलिए आज के व्लॉग को एंड करते हैं, सारा काम हो गया, किचन क्लीन हो गया और जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो भी वॉश होगी। और नीचे आपको विमल दिख रहे होंगे चुन्नू से, वो खा रहे मैंगो, कितने छोटे से मैंगो खा रहे हैं और सौम्य भी मैंगो खा रही है, बस अब मैं भी खाने जा रही हूँ। और तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।